जैसे सत्यनारायण जी का व्रत होता है, एकादशी का व्रत होता है 15 दिन में एक बार, एकादशी का व्रत 15 दिन में एक बार होता है, दादा दादी सब करते हैं। इको क्लब ने भी शुरुआत करी और आपसे अपेक्षा है कि आप लोग सहयोग करेंगे। हम सब एक दिन प्रतिदिन 1 घंटे का मोबाइल व्रत रखें, इतना तो यहाँ बैठे लोग आज संकल्प करें कि प्रतिदिन 1 घंटे का मोबाइल व्रत। जब एक बच्चे से पूछा कि तुम व्रत कैसे करते हो, उसने कहा सर रोज हम 6 घंटे का व्रत करते हैं मोबाइल का, तो कब करते हैं, उन्होंने कहा रात में 12 से 6। तो हम ऐसा व्रत तो नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं प्रतिदिन 1 घंटे का मोबाइल व्रत, जिसमें ऑफ करते हैं वो भी कहे कि हमें आराम हो, और सप्ताह में 1 दिन हम मोबाइल ऑफ करें। हम शनिवार को सबको कह दें कि हमारा संडे को ऑफ है या मंडे को ऑफ है, जो भी एक दिन आप संकल्प कर लें। यदि आप इस तरह से कार्य करेंगे 1 दिन का मोबाइल व्रत, तो ये आपके लिए तो अच्छा होगा ही, क्योंकि आपको मानसिक रूप से तनाव मुक्त होंगे, आपके माइंड की स्थिति आप रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन निगेटिविटी समाज के अंदर है। यदि हम मोबाइल को थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो हम कुछ पढ़ेंगे महापुरुषों की जीवनियां, हम अखबार पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, देश और राष्ट्र के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक संकल्प कम से कम इको क्लब के माध्यम से यहाँ डॉक्टर पार्षद साहब, बरेलिया मैडम और बाकी हमारे इको क्लब के सभी फैकल्टी मेंबर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बैठे हैं कि हम कम से कम 1 घंटे का व्रत, मैं भी और आप भी, और हम जागरूक करें लोगों को, फैलाएं इस बात को। जब हमने राज्य साहब से कहा, डायरेक्टर साहब से, कि सर ऐसा हमने शुरू किया है, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है ये, हम भी इसका प्रसार करेंगे। तो 1 घंटे का मोबाइल व्रत और सप्ताह में 1 दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, जैसे व्रत में करते हैं कभी फलाहार से कभी असहार से, तो व्हाट्सएप बंद कर दो, जैसे थोड़ा थोड़ा सा। तो आप सभी से ये अपेक्षा है, अब अगला प्रश्न।